Hello and welcome to the second lesson part of the chapter Sectors of the Indian Economy. और जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है GDP, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो आइए शुरू करते हैं. पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया था कि तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोडक्शन की वजह है वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, काम करते हैं. तो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन भी होता है और तीनों सेक्टर में लोग भी एम्प्लॉयड हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में कोई एक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो, कहीं पे टर्सरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हावी हो, कहीं पे प्राइमरी सेक्टर, कहीं पे सेकेंडरी सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि अगर हमें ये पता करना हो कि एक साल में किसी देश की आय कितनी है, तो इसके लिए हमें प्रोडक्शन जो हुआ है उसे काउंट करना पड़ेगा और ये पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है और किस सेक्टर का नेशनल इनकम में कितना योगदान है और कौन सा सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. तो इस पार्ट में हम यही स्टडी करने चल रहे हैं. तीनों सेक्टर को हम कंपेयर करेंगे कि टोटल प्रोडक्शन में उनका कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट में कितना है. सबसे पहला टॉपिक GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. काउंटिंग गुड्स इन देयर फिजिकल टर्म्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. असंभव है कि हम चीज़ों को गिने, कितनी चेयर्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितने सोफाज का प्रोडक्शन हुआ है, कितनी कार्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितने ट्रक्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितनी TVs बनी हैं. लेकिन उसका एक तरीका है कि हम उनकी फाइनल वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की एक साल के अंदर, यानी कि जो उसका फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हमारे यहाँ मार्च टू मार्च, और उन सारी फाइनल वैल्यूज़ को जोड़कर हम GDP को पता कर सकते हैं. सो GDP इज़ द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. जो GDP होती है वो ये भी बताती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, मीन्स किसी देश में कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स टेक्स प्लेस, और किसी देश की जो GDP ग्रोथ होती है, ये सब एक इकोनॉमिक इंडिकेटर का भी काम करते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है. मान लीजिए एक फार्मर है और उसने वीट का प्रोडक्शन किया और इस वीट को उसने बेचा और 10 रुपये में उसने बेच दिया फ्लोर मिल को, मतलब जो आटा तैयार करते हैं गेहूं को पीसकर. फ्लोर मिल ने गेहूं को पीसने के बाद 12 रुपये में इसे एक कंपनी को बेच दिया जो बिस्किट बनाने का काम करती है, वो भी 12 रुपये में. तो 10 रुपये में, 12 रुपये में, और आगे बिस्किट बनाकर उसके 4 पैकेट बनाकर ये चारों पैकेट फाइनल कंज्यूमर को बेच दिए गए, मीन्स अब कंज्यूमर उनका यूज़ कर लेगा. और एक पैकेट का दाम 5 रुपये रखा गया, तो इस प्रकार से 20 रुपये में फाइनल कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया. अब आगे इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है, इट विल बी कंज्यूम्ड. तो इनिशियल जर्नी से लेके लास्ट में जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचता है, उस समय जो वैल्यू होती है उस प्रोडक्ट की, उसे ही फाइनल वैल्यू कहा जाता है, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी. और जो बीच में 10, 12 अगर हम इसे ऐड करेंगे, तो सोचिए वैल्यूज़ दो बार ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इस 20 रुपीज़ में ये 10, 12 ये सब शामिल है. तो बिस्किट बनाने के लिए जो वीट और फ्लोर का इस्तेमाल हुआ, इसे कहते हैं इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स. और ये इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स सब यूज्ड अप हो जाते हैं, इसलिए 10 एंड 12 को हम ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ दिस 20 रुपीज़. ये जो 4 बिस्किट्स के पैकेट्स तैयार हुए हैं 5-5 रुपीज़ में जो बेचे जा रहे हैं, इसमें ये सब शामिल हैं. और इस तरह से फाइनल वैल्यू को काउंट करते हुए GDP कैलकुलेट की जाती है किसी भी देश की. तो जैसे अभी हमने यहाँ बात की थी कि हो सकता है किसी देश में कोई सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो, या हो सकता है कि शुरू में कोई सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट रहा, उसके बाद दूसरा सेक्टर हावी हो, और उसके बाद कोई तीसरा सेक्टर हावी हो गया हो. तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. और हमारा सेकंड टॉपिक होगा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका एट्सेट्रा, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी हिस्ट्री को देखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री को, तो पता चलता है कि सबसे पहले वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ही हावी था, मीन्स प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन किया करता था. इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द बिगिनिंग. बाद में फूड प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि जो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन थे उनमें चेंजेस आए, नए मेथड्स अडॉप्ट किए गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब लोगों के पास समय था, वो और एक्टिविटीज़ को पिकअप कर सकते थे.
जैसे कि वो हाथों से चीज़ों को तैयार कर सकते थे, व्यापार में जा सकते थे, या प्रशासन में नौकरी कर सकते थे, आर्मी ज्वाइन कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते थे, मीन्स कि फैमिली की इनकम बढ़ा सकते थे फैमिली के और मेंबर्स जो पहले एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्री कल्चर आया और अब फैक्ट्री में सामान बनना शुरू हो गया, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चले गए, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, फैक्ट्रीज में लोग काम करने लगे, तो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर की तरफ प्रोडक्शन, सो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा का इतिहास ये बताता है कि और फर्दर शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव कर गया प्रोडक्शन, और ये शिफ्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। दिस इज द जर्नी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बींग डोमिनेंट इनिशियली इन द इकोनॉमीज, देन सेकेंडरी सेक्टर टेक्स ओवर द प्राइमरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, एंड देन फाइनली टर्सरी सेक्टर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए GDP को शो कर रहा है ये ग्राफ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। 1973-74 के दौरान जो प्राइमरी सेक्टर है उसका प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद 2013 एंड 14 में ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हुई है। मीन्स अगर भारत की इनकम 100 रुपीज़ है एक साल के अंदर, तो इसमें शुरू में पहले प्राइमरी सेक्टर का योगदान था, बाद में लगभग 40 सालों के बाद जो चेंज आए हैं उसमें सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ने हावी होना शुरू कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की आय में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो इनकम जो जनरेट हो रही है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जिसमें टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा। तो क्या वजह है कि टर्सरी सेक्टर इतना बढ़ता चला जा रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। उसके कुछ कारण इस प्रकार से हैं, पीपल नीड सम बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अगर तीनों सेक्टर के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, वहाँ पे इन तीनों सेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है। तो इन सब को प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो ग्रो कर रही हैं। दूसरा, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज नीड फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एट्सेट्रा। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ेगी। व्हेन इनकम लेवल राइजेज, और जब लोगों की इनकम लेवल राइज होगा, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो भी सर्विसेज की डिमांड करेंगे। जैसे चलो आज घर में नहीं खाते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे, घूमने की कोशिश करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना पसंद करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन लेके सीखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब को प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो कुछ नई सर्विसेज जैसे इंटरनेट एक्सेस है चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो इन सब सर्विस को प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ की वजह इनकी सर्विसेज की डिमांड होती है, लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है, और वो एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। जो हाईली स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उनकी अर्निंग हाई है, लेकिन बहुत से लोग इसमें ऐसे भी एम्प्लॉयड हैं जो छोटी छोटी अर्निंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और अल्टरनेटिव्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड या एजुकेटेड नहीं है। अगर एजुकेटेड हैं तो हाईली स्किल्ड नहीं है, और स्किल्ड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तब प्रोडक्शन से हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और इसे हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। तो प्रोडक्शन मीन्स कहाँ पे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है और कहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है, इसको हम स्टडी करते हैं, और पहले ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में GDP को परसेंटेज शेयर के रूप में दिखाया गया है, और 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका GDP में शेयर और टर्सरी सेक्टर का GDP में शेयर ज़्यादा था, लेकिन 2013-14 तक आते आते टोटल प्रोडक्शन है उसमें प्राइमरी सेक्टर का काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन हो गया, और टर्सरी सेक्टर के साथ साथ जो कि काफ़ी ग्रो हुआ, सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी ग्रो किया। यानी कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करने लग गए हैं, और हमारा प्राइमरी सेक्टर GDP में कंट्रीब्यूशन के मामले में पिछड़ रहा है। तो ये तो हो गई प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कि कहाँ ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। तो आइए एक और ग्राफ देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ये है शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
ऑफ ईच सेक्टर 1973 तक सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था प्राइमरी सेक्टर, यानी अगर 100 लोग काम करते हैं तो उसमें से 74 या राउंड फिगर में हम ये मान लेते हैं कि 75% मीन्स 3/4 पोर्शन तो एम्प्लॉयमेंट का पूरा लगा हुआ था प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और 100 में से सिर्फ 11 और 15 इतना पोर्शन यानी 26% जो प्रोवाइड करता था एम्प्लॉयमेंट वो ये दोनों मिलकर करते थे। लेकिन लगभग 40 साल के अंतराल पर 2011-12 तक आते आते स्थिति ये हो गई कि प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था एम्प्लॉयमेंट में वो घटकर हो गया 49, और इन दोनों का जो शेयर है यानी 24 और 27 अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये 51% हो गया लगभग। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 49% अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ इसमें भी हुई है और इसमें भी हुई है, लेकिन दोनों ग्राफ की तुलना में जीडीपी में यानी प्रोडक्शन में जो शेयर टर्सरी सेक्टर का है उस रेशियो में टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मीन्स कि द ग्राफ क्लियरली शोज दैट सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स हैव ग्रोन द मोस्ट ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। सब ज़्यादा ग्रोथ इन्हीं में हुई है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉय द मोस्ट पीपल। उसकी वजह क्या है? बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर। क्योंकि इसमें और इसमें ग्रोथ होने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और रेज होता है, वो ये है कि टर्सरी सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट हो रही है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? और जब सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी क्यों प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है? इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए हैं वो उम्मीद से ज़्यादा लगे हुए हैं, जहाँ ज़रूरत है जितने की उससे कहीं ज़्यादा लगे हुए हैं। कि घर में अगर खेत है तो अगर 4 सदस्य हैं जिसमें से सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है, लेकिन चारों चले जाते हैं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ खेत में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं अपने फील्ड पर। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अभी हमने ग्राफ में देखा कि प्राइमरी सेक्टर में 50% से भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन जब जीडीपी की बात आती है तो 25% भी नहीं पहुंचता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, ज़्यादा लोग लगे उसके बावजूद भी ऐसा है। और जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वो लगभग 75% का योगदान देते हैं नेशनल इनकम में, जीडीपी में, जबकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दे आर अंडर एम्प्लॉयड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन नामों से आप उनको पुकार सकते हैं, जिसमें से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वो लोग बेरोजगार हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जिन लोगों की क्षमता है काम करने की उससे कम क्षमता से काम उनसे लिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ट्रक में 1 टन माल आ सकता है और आप उसमें 2 या 3 kg ढो रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मोर देन नेसेसरी नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज इन अ वर्क एक्टिविटी। ये अभी हमने देखा था। और ये जो एक्स्ट्रा लोग एम्प्लॉयड होते हैं इसको वहाँ से हटा भी लिया जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं होगा। जैसे बुक के एग्जाम्पल में लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसकी जो फैमिली है वो फैमिली जो उनका खेत है 2 हेक्टेयर का, सारे मेंबर उसी खेत में जाते हैं और वर्क करते हैं, जबकि उसमें से जो 5 मेंबर्स है उसमें से कुछ हटा भी दिए जाएं तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड। इट इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑल अपीयर टू बी वर्किंग, क्योंकि सब तो काम करते हुए नजर आते हैं, 5 के 5 खेत में लगे हैं तो कोई भी देखेगा कहेगा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दे कंट्रीब्यूट लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है उससे वो कम योगदान देते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए एक ईंट है और इस ईंट को अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को देते हैं उठाने के लिए तो उठाने में प्रॉब्लम होगी, एक आदमी अगर उसकी मदद कर देता है तो आसानी से ईंट उठ जाएगी। लेकिन अगर इसी ईंट को उठाने के लिए आप, जिसको उठाने के लिए एक आदमी पर्याप्त है,
और यही नहीं, एक आदमी एक साथ दो तीन ईंटें उठा सकता है, लेकिन आपने एक व्यक्ति को लगाया ईंट उठाने के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इसी ईंट को उठाने के लिए पांच व्यक्तियों को लगा दिया। अब पांच व्यक्ति इस ईंट को उठाएंगे तो क्या आपको लगता है कि पांचों व्यक्ति अपने पोटेंशियल का यूज़ करेंगे? एक व्यक्ति उठाता तो कुछ ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता, पांचों व्यक्ति मिलकर उठाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने पोटेंशियल का फुल इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसमें से अगर चार को हटा दिया जाए और एक एक ईंट इनको दे दी जाए, तो इस प्रकार से ये चारों एक एक ईंट उठाएंगे और एक साथ पांच ईंटें उठेंगी पांच लोगों के द्वारा। तो पहला सिनेरियो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का है, जहाँ पे चार लोग एक ही काम में लगे हुए हैं और इसमें से कुछ को हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लोग अपनी क्षमता का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो कुछ काम नहीं है तो चलो जो गाँव में हमारा खेत है उसी में लगे रहते हैं, ये सिनेरियो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट दोज हु आर जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयड। तो जो छुपी हुई बेरोजगारी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें लोग काम करते नजर आते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जॉबलेस हैं, जहाँ पे जॉब उनको अवेलेबल नहीं है, वो बेरोजगार नजर आते हैं। हम कहते हैं कि देखो वो बेरोजगार है, बैठा हुआ है, कहीं काम नहीं मिल रहा उसको, तो वो तो ओपन है, दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकार की जो बेरोजगारी है जहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर ये बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 50% पीपल, लेकिन GDP में काफ़ी योगदान कम है, इसकी वजह है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की, जो अभी हमने पढ़ा। और ये जो सरपस, अगर इसको निकाल कर कहीं इंगेज कर दिया जाए किसी दूसरी जगह, तो उनके पोटेंशियल का यूज़ होगा और इट विल कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन और GDP में योगदान बढ़ेगा। इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में, लेकिन ये तभी हो सकता है जब एम्प्लॉयमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, नहीं तो ऐसे ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। एनीवे हम देखते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या खाली रूरल सेक्टर में है या अर्बन सेक्टर में भी है। तो सबसे पहले रूरल सेक्टर, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी एंड हर फैमिली इन मेंबर्स, जो कि टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। और ये जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें कहीं और काम पे लगाया जाएगा तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। बुक में पूरे एग्जाम्पल को आपने पढ़ा होगा। अर्बन सेक्टर में भी प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। कैसे? क्योंकि बहुत से कैजुअल वर्कर्स होते हैं, वो अपनी अर्निंग करते हैं अपनी मेहनत करके, जैसे प्लम्बर्स हैं, पेंटर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं। कभी आपको जूते चप्पल की मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ी होगी तो आप गए होंगे मोची के पास, कभी उसकी दुकान खुली है, कभी नहीं खुली है, कभी वो बैठा हुआ है, चार लोग आते हैं, किसी दिन उसी समय में 10 लोग आए। तो अर्निंग डिपेंड करती है ग्राहकों पर। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, किसी दिन फेरी लगाई उन्होंने, जगह जगह जाकर जो सामान बेचते हैं, डोर टू डोर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। ठेले वाले आप लोगों ने देखे होंगे, जो गलियों में घूमते रहते हैं, चीज़ों को बेचते रहते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स एट्सेट्रा। कोई ज़रूरी नहीं कि ये लोग पूरे दिन घूमें और इन्हें कोई ग्राहक मिले जिससे उनकी इनकम हो। पूरा दिन घूमने के बाद भी अगर उन्हें कोई इनकम नहीं होती तो हम क्या कहेंगे? उन्होंने काम तो किया पर इनकम नहीं हुई। मींस कि बेरोजगारी का ही वो दिन रहा, लेकिन वो बेरोजगार दिखाई नहीं दिया क्योंकि तो रिक्शा यहाँ से वहाँ घुमा ही रहा था, लेकिन वास्तव में कोई इनकम नहीं हुई। तो उस दिन समझ लीजिए उसे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, लेकिन वो एम्प्लॉयड नज़र आ रहा था। दे डू नॉट अर्न सेम एवरी डे, हर दिन उनकी एक सी इनकम नहीं होती, वो पूरा दिन गुजार सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ही लिटिल इनकम हो सकती है या नो इनकम, क्योंकि उनके जो प्रयास होते हैं, जो मेहनत होती है, वो अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होती है। कभी कर्फ्यू लग गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उस दिन वो काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम अर्बन सेक्टर में है, और इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। और इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो नेक्स्ट, नीड फॉर क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी फाइंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है? इट इज़ सो बिकॉज द पीपल इन रूरल एरियाज डोंट हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि कहीं और जाकर काम कर सकें, इसलिए वो अपने प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो फैमिली प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, उसी पर लगे रहते हैं। लेकिन दिस एक्स्ट्रा अंडर एम्प्लॉयड फोर्स जो है, उसे और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है अगर उन्हें कहीं और जगह दी जाए नौकरी करने के लिए, और इसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा इस एक्स्ट्रा लेबर फोर्स को वहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। और इसमें गवर्नमेंट का ही रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन हमारे पास है, कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू एब्जर्व
द अंडर एम्प्लॉयड इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण या सेमी रूरल एरियाज़ में जो भी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है। और कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, जैसे बैंक्स कैन प्रोवाइड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू फार्मर्स। क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे फार्मर्स लोन लेके एग्रीकल्चरल इनपुट्स को खरीद सकें, कुएं को खोदकर सिंचाई के साधन बना सकें, अच्छे बीज फर्टिलाइजर्स को खरीद सकें, इस प्रकार से अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, अगर गवर्नमेंट इन वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेगी तो उसमें लोग एम्प्लॉयड होंगे। बिल्डिंग रूरल रोड्स एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू कनेक्ट रिमोट रूरल एरियाज़। अगर सड़कों का निर्माण करती है गांव में गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी जुड़ेगी और जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर वो मार्केट में अच्छी तरह से जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली इनकम बढ़ेगी और लोग और किसी काम में जाकर लग सकते हैं। स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है क्रॉप का, कि अगर फसल उत्पादन एक्स्ट्रा है तो उसे कहाँ हम रखें। तो फैसिलिटीज़ से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। लोकल इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में, जैसे दाल मिल्स हैं या हनी कलेक्शन सेंटर है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है। वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा सकते हैं पोटैटो से, राइस और फ्रूट से रिलेटेड। इन सब में रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इनकम भी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो काफ़ी कम है, जो हम पहले चैप्टर डेवलपमेंट में अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, तो अगर ये अटेंडेंस रेशियो बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना चाहें, तो ज़्यादा बिल्डिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी, टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और प्लानिंग कमीशन जो कि अब नहीं है, जनवरी 2015 से उसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जब ये प्लानिंग कमीशन था तो उसने एक एस्टिमेट लगाया था कि अगर एजुकेशन सेक्टर में इस तरह से लोग पढ़ना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, तो 20 लाख नौकरियां जनरेट हो सकती हैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, नर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, और भी स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। रीजनल पोटेंशियल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर टूरिज़्म की काफ़ी संभावनाएँ हैं, जो कि रीजनल पोटेंशियल हम कहते हैं जिसे। तो टूरिज़्म एक इंडस्ट्री का रूप लेता चला जा रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। वहाँ की जो रीजनल क्राफ्ट हैं और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है। कश्मीरी शॉल काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनके प्रोडक्शंस। तो प्लानिंग कमीशन ने यह भी एक एस्टिमेट लगाया था कि टूरिज़्म सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट और इतना रिसोर्सफुल सेक्टर है कि 35 लाख नए लोगों को हर साल इसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है टूरिज़्म सेक्टर में। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कहीं और काम पे लग सकता है। और गवर्नमेंट का जैसे हमने कहा कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो उसी को स्टडी करते हैं। राइट टू वर्क एक्ट पास किया गया 2005 में, और इसे पहले नरेगा के नाम से, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो अब इसे मनरेगा कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया गया, 2006 में लागू किया गया। और ये विश्व में अपने तरह की बहुत बड़ी योजना है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी प्रेज किया था कि ये सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक मिसाल है ये एक्ट। इट वाज पास टू इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी, लोगों की जीविका जो खतरे में बनी रहती है, कभी इनकम हुई कभी नहीं हुई, उसको दूर करने के लिए राइट टू वर्क, जिसे पार्ट फोर्थ में रखा गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिस पार्ट में है, और आर्टिकल 41 के अंतर्गत इसे रखा गया है, 2005 में इनेक्ट किया गया था और 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लागू किया गया। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, और अगर गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज आपको मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता अगर आपने एप्लीकेशन दी। ये ग्रामीण लोगों के लिए है, तो विद इन 15 डेज वर्क दिया जाएगा। अगर विद इन 15 डेज या जिस दिन से वर्क मांगा गया उसके 15 दिन के भीतर अगर वर्क नहीं प्रोवाइड करा पाती है सरकार, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिलेंगे। और जो वर्क कराया जाएगा उसमें तरह तरह के वर्क हैं, जो लैंडफॉर्म से रिलेटेड हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और अब उसका विस्तार किया गया है कि जैसे वाटर कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर है उससे अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, रूरल सैनिटेशन है, इरिगेशन वर्क है, कैनाल मेंटेनेंस वर्क है, पर्यावरण से संबंधित, इनमें इन्हें इंगेज किया जाता है। और ये एक प्रकार से वीमेन एम्पावरमेंट का भी एक टूल है, यानी ये एक ऐसी स्कीम है जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर लागू की गई है और घरों घरों तक पहुँची है, और उसका असर भी साफ दिखता है। जहाँ लोग आसानी से मिल जाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, अब आसानी से नहीं मिलते।
क्योंकि उनकी नगद इनकम बढ़ गई है, लेकिन अभी भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में 80% लगभग लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, ना हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड दिस चैनल एनसीईआरटी लेसन्स इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव टू द क्वेरीज रेज्ड बाय इट्स व्यूवर्स, और मोस्टली उसमें स्टूडेंट्स ही हैं। वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स के लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पर है। सो ये लेसन पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।